श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन एक विशेष पर्व व्रत मनाया जाता है, जिसे जया पार्वती व्रत अथवा विजया पार्वती व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के द्वारा माता पार्वती को प्रसन्न किया जाता है। पौराणिक पुराणों के अनुसार ये व्रत स्त्रियों द्वारा किया जाता है। माना जाता है कि ये व्रत करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का रहस्य भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को बताया था। ये व्रत कहीं पर एक दिन और कहीं पर पाँच दिनों तक मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि विजया पार्वती व्रत कब है, पूजन का मुहूर्त क्या रहेगा और पूजन विधि क्या है, साथ ही जानेंगे कि कथा क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगामी व्रत एवं त्यौहारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। विजया पार्वती व्रत 3 जुलाई से 8 जुलाई 2020 तक शुक्रवार से बुधवार तक मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 2 जुलाई 2020 दिन बृहस्पतिवार को दोपहर 3:16 पर और समाप्ति होगी 3 जुलाई 2020 दिन शुक्रवार को दोपहर 1:16 पर। पूजन का मुहूर्त रहेगा 3 जुलाई 2020 दिन शुक्रवार को शाम 9:29 तक। कुल अवधि रहेगी पूजन की 2 घंटे 9 मिनट। इस दिन व्रती को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कार्यों में निवृत्त होकर स्नान करें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प करके माता पार्वती का स्मरण करना चाहिए। घर के मंदिर में शिव पार्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। फिर शिव पार्वती को कुमकुम, शतपत्र, कस्तूरी, अष्टगंध और फूल चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात ऋतुफल तथा नारियल, अनार, अन्य सामग्री अर्पित करनी चाहिए। माता पार्वती का स्मरण स्तुति करें। फिर माँ पार्वती का ध्यान धरकर सुख सौभाग और ग्रह शांति के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें। अपने द्वारा किए हुए गलतियों की क्षमा मांगे। तत्पश्चात कथा श्रवण करें। कथा के बाद आरती करके पूजन को संपन्न करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराए और इच्छा अनुसार दक्षिणा देकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। अगर आपने बालू रेत का हाथी बनाया है तो रात्रि जागरण के पश्चात उसे नदी या जलाशय में विसर्जित करें। चलिए जानते हैं कि जया पार्वती व्रत की कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय कौंडिन्य नगर में एक वामन नाम का एक योग ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सत्या था। उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके यहाँ संतान न होने से वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन नारद जी उनके घर पधारे। उन्होंने नारद की खूब सेवा की और अपनी समस्या का समाधान पूछा। तब नारद ने उन्हें बताया कि तुम्हारे नगर के बाहर जो वन है उसके दक्षिणी भाग में विल्व वृक्ष के नीचे भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजित हैं। उनकी पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने उस शिवलिंग की ढूंढकर उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस प्रकार पूजा करने का क्रम चलता रहा और 5 वर्ष बीत गए। एक दिन जब ब्राह्मण पूजन के लिए फूल तोड़ रहा था, तभी उसे सांप ने काट लिया और वह वहीं जंगल में गिर गया। ब्राह्मण जब काफ़ी देर तक घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी उसे ढूंढने लगी। पति को इस हालत में देखकर वह रोने लगी और वन देवता व माता पार्वती का स्मरण किया। ब्राह्मणी की पुकार सुनकर वन देवता और माँ पार्वती चली आई और ब्राह्मण के मुख में अमृत डाल दिया, जिससे ब्राह्मण उठ बैठा। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने माता पार्वती का पूजन किया। माता पार्वती ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब दोनों ने संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। तब माता पार्वती ने उन्हें विजया पार्वती व्रत करने की बात कही। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस ब्राह्मण दंपति ने विधिपूर्वक माता पार्वती का यह व्रत किया, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन व्रत करने वालों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तथा उनका अखंड सौभाग्य भी बना रहता है। तो ये थी कथा विजया पार्वती व्रत की मेरे वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।